टेन पॉपुलर ज्ञान अकेडमी ठाकुर द्वारा। दरअसल बच्चों, जैसे कि हम लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाए थे मिश्रण एलिगेशन, अब हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं इसका पार्ट टू। इसमें मैं आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट दो टाइप कराऊंगा जो कि बहुत लोगों से नहीं होते। अब मैं ना आपको इसमें कोई एक्स मानूंगा ना कोई फॉर्मूला, चाहे किसी को कुछ नहीं आता हो गणित में, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो भाई जान आप बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ नहीं आता हो आपको, चाहे जोड़ने में आता हो घटाने में, सब मैं सिखाऊंगा, बेफिक्र रहो, आप घबराओ नहीं। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पे दो क्वेश्चन चल रहे होंगे, इनको मैं समझाता हूँ अच्छे से, फिर इसका एक अपर टाइप है वो कराऊंगा। ठीक है भाई, पढ़ो यार, बहुत पूछता है एग्जाम में, बड़े अच्छे से समझना। देखो क्या बोला इसने, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का आपके लिए मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। क्या कहने जा रहा आप, ये मुझसे कह रहा कि एक 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु है और एक दूसरी वाली जो है 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु है, इन्हें किस अनुपात में मिलाकर बेचू जिससे कि इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, ये मुझे दे रखा है। तो अब समझो, ये एक मेथड का नाम मैं आपको बताता हूँ, एलिगेशन। एलिगेशन कहाँ लगाते हैं, कम से कम पूरे गणित में 8 से 9 टॉपिक हमारे ऐसे हैं या चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एलिगेशन लगता है, जैसे कि मिश्रण मिश्रण तो जिंदा लगता है, बाकी जैसे नंबर सिस्टम हुआ, चार से दूरी हुई, SI हुआ, CI हुआ, लाभ हानि हुआ, इन पर भी सब में एलिगेशन लगते हैं कुछ टाइप के क्वेश्चन। तो ये पहले पहचान समझ लो, जानते दुनिया है कैसे लगाते हैं लेकिन कहाँ लगाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जहां पे कोई दो बातें अलग अलग बोली हो और उन दोनों को मिलाकर कोई बात बोली हो वहां जिंदा एलिगेशन लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आया, देखो क्या बोला, एक 12 वाली वस्तु है अलग है, एक 18 वाली वस्तु है अलग है, इन्हें मिलाकर एक 15 वाली वस्तु। तो मैं तो यही बता रहा हूँ आपसे, दो अलग अलग चीजें हो, एक मिला के चीज हो, वहां जिंदा क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। तो भाई देखो इसका सॉल्यूशन, मुझे बोला कि इसे किस अनुपात में मिलाओ, इसका इसका अंतर कितना आया 3, इसका अंतर कितना आया 3, अनुपात आ गया 3 × 3 × 3 एक अनुपात है आंसर। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई एक्स नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट को प्रकार चलेगा। क्या बताया हूँ आपको, एलिगेशन किस किसका अंतर ले लो, किसका इसका अंतर ले लो, ये अनुपात आ गया। ये मुझसे पूछा था कि इन्हें किस अनुपात में मिलाओ, तो एक अनुपात एक का मतलब हो गया बराबर मात्रा में। एक क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से बात को समझो। 2 क्या बोला, एक 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु है, 25 वाली वस्तु है, और एक दूसरी कितनी है भैया, 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु है। आगे उससे बोला है इनमें किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि क्रय मूल्य 22 हो जाए, क्रय मूल्य कितना हो जाए 22 हो जाए। देखो पहली वाली का क्रय मूल्य 25, दूसरी वाली का क्रय मूल्य 20, तीसरी वाली का क्रय मूल्य, मतलब तीसरी वाली मतलब इन दोनों को मिलाकर जो है उसका क्रय मूल्य कितना करना 22। भाई जान कोई एक्स नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि एलिगेशन कहां लगता है, जहां पर कोई दो वस्तु अलग हो और एक इनकी मिलाकर दे रखी हो, ये दोनों वस्तु अलग ही मिलाकर दे रखी हुई। ठीक है भाई यार, इसका इसका अंतर ले लो कितना है 2, इसका अंतर ले लो कितना गया 2, 3, तो अनुपात आया हमारे पास 2:3। बहुत अच्छे से मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। बताना भाई जान, बताना वीडियो में कमेंट करके कि आपको कैसा समझ में आया और अच्छे से बात को समझो। देखो भाई जान, किसे कुछ नहीं आता ना गणित में, मैं आपको बिल्कुल इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे गणित रीजनिंग और इतना अच्छा स्कोर कर जाओगे कि आपको उम्मीद नहीं होगी कि भाई हमारे नंबर भी इतने आ सकते हैं। बस जिस तरह से बाकायदा मैं आपको जो सिखा रहा हूँ थोड़ी सी उसके यहाँ पर मेहनत करूँ, तो इसमें कोई फॉर्मूला ना कोई एक्स, कुछ याद ही नहीं करना, ना कोई एक्स लगाना, याद करने के लिए तो बाकी सब्जेक्ट बहुत है, यहाँ चीज़ को समझो। अब ये मेरा एक टाइप हो गया, मैंने आपको एलिगेशन के बारे में बता दिया, अब मेरे पास इसके जो अपर टाइप है वो आपको कराना। देखो उस पर ध्यान देना क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन चल रहा होगा, उन क्वेश्चन को पढ़ो भाई ध्यान से, बहुत कांटे का है या अगला टाइप इसका क्या बोला, देखो भाई पढ़ो लिखो। देखो अगले टाइप में बोला है कि एक आपके पास 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल है और एक आपके पास है 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल, एक 10 वाला चावल एक 16 वाला, इन चावल को किस अनुपात में मिलाकर बेचो जिससे कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम भाव से बेचा जाए, बेचा जाए मतलब कि बिक्री मूल्य आ गया और उसको 20% का लाभ हो जाए। देखो इसमें नई बात क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत जबरदस्त ध्यान देने की, पहले का क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए, दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना है 16 रुपए, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बेचा, बेचा बोले तो बिक्री मूल्य 18 है और आपको 20 का लाभ होना परसेंटेज में। मुद्दा क्या है, देखो उनमें इसमें अंतर क्या है, आपने पहले के दोनों क्वेश्चन पढ़े तो वहां पे तीनों चीजें एक थी, चाहे दोबारा रिपीट कर लेना आप देख लेना, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे ये क्रय मूल्य नहीं, क्या है बिक्री मूल्य है। तो एलिगेशन की सबसे पहली कंडीशन ये है कि तीनों जगह एक सा होना चाहिए, मतलब क्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य चले, बिक्री मूल्य हो तो बिक्री मूल्य हो, परसेंटेज हो तो परसेंटेज हो, रुपए में हो तो तीनों चीजें फिर किसके अंदर ही हो, रुपए में ही हो, पहली बात। दूसरी इंपोर्टेंट बात क्या है, चाहे नोटिस कर लेना, दूसरी बात में देखो क्या बता रहा हूं, बीच वाला नंबर इनके बीच भी होना चाहिए, एक से बड़ा हो एक से छोटा हो, अभी 18 जो है इससे बड़ा इससे बड़ा, तो इसका मतलब गलत है, बीच में 18 नहीं आता। सबसे पहली बात ये तो बात बिल्कुल निश्चित है कि जिंदा एलिगेशन लगेगा, लेकिन यहां बीच में 18 नहीं आता। रीजन क्या है कि एलिगेशन का नियम यह है कि वाला नंबर जो है इससे एक से बड़ा हो एक से छोटा हो, तो सर क्या आएगा बीच में, दूसरा नियम था कि तीनों जगह एक सा हो, तो सर क्या आएगा फिर,
तो किरे मूल्य ही आएगा। सर किरे मूल्य देने रखा कहां से निकालोगे, देखो हम बताते हैं। तो 20% का आपको लाभ दिया ना, 20% का आपको लाभ दिया, क्यों बना रहा हूं यहां साइड में 20% को मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं कि परसेंट टाइम है, और दुनिया जानती है, हम आपको कई बार बताया परसेंट की वैल्यू होती है 1/100, परसेंट का मान होता है 1/100, मैंने परसेंट आया बटे में 16 आया, चूंकि इसे काटा तो 1/ कितना हो गया 5, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला नंबर जो है आपका वो किरे मूल्य है और ये वाला नंबर जो है आपका वो क्या है, लाभ है। बात समझ में आ रही, इसका मतलब 5 रुपए के ऊपर 1 रुपए का लाभ लिया तो 6 रुपए का सामान बिका, बिकने का मतलब क्या हो, बिक्री मूल्य है। तो मेरे हिसाब से बिक्री मूल्य कितना होगा, 6 रुपए बुक ने बोला, बिक्री मूल्य कितना 18, तो 6 बराबर किसका आ गया मेरा 18 है, दोनों बिक्री मूल्य है बराबर हो गया, कटवाड़ा तो 1 बराबर किसका आ गया 3, 6 × 6, 6 × 18, मुझसे बोला किरे मूल्य बताओ, किरे मूल्य कितना है 5 × किसको गई 5 × 5 = 3 × 15, इतना गेम फेड हो रहा नहीं हो रहा, बिल्कुल बहुत धमाका वाली बात समझ में आनी चाहिए यार किसी बालक को, जिसे कोई बात कमी समझ में आ रही है दोबारा रिवाइंड करके देखो, लेकिन बताओ वो फिर बात है, चूंकि मुझे चाहिए किरे मूल्य, किरे मूल्य हम निकाल दिए तो लो गेम हो गया, और बस किरे मूल्य चाहिए था यहाँ गया 15, इसका इसका अंतर आया 1, इसका इसका अंतर आया 5, 1/5 के अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा, गेम हो गया। सबसे खतरनाक टाइम माना जाता है ये मिश्रण का, अब मैंने आपको जो अच्छे से करा दिया ना, कोई फॉर्मूला मानना ना कोई एक्स मानना, और बहुत पूछता है ये, आप प्रैक्टिस निकालोगे तो आपको दिखेगा क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस निकालते नहीं तो आपको पता कैसे होगा कि क्या पूछ लिया क्या नहीं पूछ लिया। ठीक है भैया, एक ऐसे क्वेश्चन बोल ले रहे हैं बहुत धमाका फॉर्म में, और मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, चाहे गणित में किसी कुछ नहीं आता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ये बात समझाने के बाद बहुत अच्छे से आपको बात समझ होगी, अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो भाई फिर उद्धार नहीं होता आपका, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे दो पढ़ाई के ऊपर, इस चीज को दोबारा रिवाइज करके देखना। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है जिससे कि बात अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और इसके क्वेश्चन जो है ना आप किसी बुक से लगाओ, जो आपके पास बुक हो किसी बुक से लगाओ, क्वेश्चन जो ना हो पर्सनली आप मुझसे आप पूछो भाई जान, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका देखो 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चले रहा होगा, पढ़ो। इसने बोला कि एक मेरे पास वस्तु जो है 25 रुपए प्रति किलोग्राम की है, उसे 30 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ किस अनुपात में मिलाकर बेचे, जिससे कि 21 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर आपको 25% की हानि हो जाए। अब हानि कितनी उठानी, 25% की हानि उठानी, 25% की हानि। देखो सुनो, ये तो सेम है चीज कराया, लेकिन यहाँ आपके से लाभ की जगह क्या हो गया, हानि हो गई। तो भाई जान एक बात समझ रहे होंगे, आप एक बात समझ रहे होंगे, पहली बात ये किरे मूल्य है, ये भी किरे मूल्य है, लेकिन ये क्या आपका बिक्री मूल्य, तो मुद्दा ये होगा कि बीच में 21 नहीं आएगा, लेकिन जिंदा फीलिंग आनी चाहिए कि लगेगा एजुकेशन, क्योंकि पहचान बताई हम आपको कि दो वस्तुएं अलग अलग हो और एक मिला के हो। ठीक है भाई, तो यहाँ 21 नहीं आगा तो सर क्या होगा, दो दूसरी बात देखो 21 जो है इनके बीच में भी नहीं आ रहा तो सर क्या होगा, यहाँ आगा किरे मूल्य कैसे निकालेंगे, अब कैसे 25 की क्या हो रही है, हानि 25% क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने, परसेंट की वैल्यू होती 100, इसे मैंने कटवारा तो 1/4 इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ 4 के ऊपर 1 की हो गई हानि, 1 की हो गई हानि, इसका तो हो गया बिक्री मूल्य 3 है, बिक्री मूल्य 3 है, लेकिन बुक वाले ने बोला बिक्री मूल्य कितना, बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य कितना भाई, बिक्री मूल्य कितना 21, इसका मतलब बड़ा हो गया मेरा 3 बराबर किसको हुआ 21 को हुआ, बिक्री मूल्य आ गया, दोनों बिक्री मूल्य कटवारा 1 बराबर किसके आ गया 7 के आ गया। मुझसे बोला क्या बताओ, पहले किरे मूल्य निकालना, ये मेरा क्या था किरे मूल्य, पट्टी वाली चीज किरे मूल्य होती है, ऊपर वाले या तो लाभ हो गया या हानि होगी, 4 से गुणा करती, 4 से यहाँ गुणा हो गई और 4 से यहाँ गुणा हो गई, कितना आ गया 28 आ गया भाई जान, तो बीच में क्या होगा 28 ना कि 21। मुझे उम्मीद है कि बात बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, बताना भाई जान अगर आपको बात अच्छी समझ में आए तो। अब बस वही मेरा क्या लगाना इस पे रीजन, क्योंकि इसका इसका अंतर ले लो 2, इसका इसका अंतर ले लो 3, तो आंसर मेरा कितना है 2/3, इसका गेम हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में होगी भाई जान, मैं ये वाला टॉपिक आपको 11 वाले बेंच में पढ़ा रहा हूँ, मिश्रण 11 से 12, जिन लोगों को सीखना हो बहुत अच्छे से और प्रैक्टिस करनी हो तो बिल्कुल इसको ऑफलाइन सीख सकते हैं, वरना तो मैं आपको इस चीज कराया रहा हूँ धीरे धीरे, और भाई लोगों कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की तो बेहिचक होकर पूछो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, बाकी का आपको लोगों फिर तुम्हारा बात।